झटपट बनने वाली आज हम प्याज की लुंजी बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी बनती है। चलिए बनाते हैं। एक पैन लेंगे, गैस को हम ऑन करेंगे। 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 1/4 जीरा ऐड करेंगे, 1/4 राई ऐड करेंगे, 1/4 मेथी दाना ऐड करेंगे, 1/4 काला जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पीसी हुई सौंफ ऐड करेंगे, 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। गैस को बंद करेंगे। प्याज को हमने पतले और लंबे कट किए हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे कट कर सकते हैं। 1/2 बाउल प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। महीन कटी हुई केरी ऐड करेंगे। केरी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसमें केरी ऐड करेंगे। 2 महीन कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। भीगी हुई किशमिश ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमें कम ही रखना है, प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। 1/4 बाउल हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमें कम ही रखना है, हमें इसे जब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। 1-2 बॉइल आने पर हम गैस को बंद कर देंगे। प्याज की परफेक्ट लुंजी रेडी है। गरम गरम प्याज की लुंजी बनाइए, टेस्ट का आनंद लीजिए। प्याज की लुंजी बनाते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। यदि 1 बाउल प्याज है तो 1/2 बाउल हम शुगर ऐड करेंगे। यदि कच्ची केरी आपके पास नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी इसमें ले सकते हो, लेकिन कच्ची केरी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यदि आपको प्याज की लुंजी ज़्यादा तीखी पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। प्याज की लुंजी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। Thank you.